नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आज की रात लालू यादव के लिए कयामत की रात है, क्योंकि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव के सबसे बड़े चारा घोटाला के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। जिस मामले पर मंगलवार को सजा का ऐलान होने वाला है। चारा घोटाला से जुड़े सबसे बड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 99 अभियुक्तों पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई की विशेष अदालत एसके शशि की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था। फैसले को लेकर के कोर्ट ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है और अब काउंटडाउन चल रहा है। लालू सहित सभी अभियुक्तों की धड़कनें तेज हो गई हैं, जबकि कोर्ट सीबीआई के स्पेशल पीपी वीएमपी सिंह सहित उनकी टीम तैयार है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसला सुनाया जाना है। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे सभी अभियुक्तों की उपस्थिति में फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। यह चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला भी है। डोरंडा कोषागार RC 47A/96 में आईपीसी की धारा 409, 420, 457, 468, 471, 472, 474, 120B, पीसी एक्ट की धारा 13(2), 13ACD के तहत मामला दर्ज किया गया है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आर के राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, डॉक्टर के एम प्रसाद, डॉक्टर गौरीशंकर प्रसाद समेत 99 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कुल 170 लोगों को अभियुक्त बनाया था। लालू समेत 147 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था। सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 55 अभियुक्तों का निधन भी हो चुका है। इसमें 8 अप्रूवन बन गए हैं, जबकि 6 फरार हैं। 2 ने दोष स्वीकार कर लिया है, जबकि 99 ट्रायल फेस कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के एक मामले में सब पहले ही जमानत पर थे। वहीं चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा पूरी कर ली है। चाईबासा, देवघर और दुमका कोषागार में लालू प्रसाद यादव की सजा पूरी होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को उन्हें जमानत दी थी। तब से लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हैं। चारा घोटाला का ये पहला मामला जिसमें चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5-5 साल की सजा मिली थी। चारा घोटाला का दूसरा मामला देवघर कोषागार से जुड़ा हुआ है, जहां पर 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी में लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। चारा घोटाला का तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से जुड़ा हुआ है, जहां पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी जो है की गई थी। इस मामले में लालू यादव को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं चारा घोटाला का चौथा मामला दुमका कोषागार से जुड़ा हुआ है, जहां पर 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में जिसमें 2 धाराओं में लालू यादव को 7 साल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। अब चारा घोटाला मामले का पांचवा मामला डोरंडा कोषागार का है, जहां पर 139 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी का मामला है, जो कि सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले के इंतजार में है। अब मामले में विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में 15 फरवरी को इस पूरे मामले पर यानी कि अगली सुबह फैसला सुनाया जाएगा। देखना होगा कि लालू यादव को जेल मिलती है या लालू यादव कुछ दिन के लिए जेल में जाने के बाद, क्योंकि सज़ा अगर आधी पूरी हो जाती है, क्योंकि एक साथ तमाम सजाएं चलेंगी, अगर आधी अवधि इस सज़ा के हिसाब से भी अगर पूरी वो कर चुके हैं तो उन्हें जमानत भी बहुत जल्द मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।